भाई ये बात तो कंफर्म है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब दिशा वकानी दयाबेन के किरदार में नजर नहीं आएंगी। दरअसल कुछ टाइम पहले ही शो के मेकर असित मोदी ने दिशा को रिप्लेस करने की बात कही थी और तभी से टीवी के गलियारों में इन खबरों ने हलचल मचा दी कि आखिर अब दिशा को कौन सी हीरोइन शो में रिप्लेस करेगी। ऐसे में जब हाल ही में एक्ट्रेस अमी त्रिवेदी का नाम दयाबेन के किरदार के लिए सामने आया तो कुछ फैंस जहां इस रोल में उन्हें देखने के लिए एक्साइटेड दिखे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फैंस का दिल टूट गया। हालांकि इस संबंध में अमी ने कहा था कि अभी तक मेकर्स ने उन्हें दयाबेन के रोल के लिए अप्रोच नहीं किया है, लेकिन अब अमी के बाद शो के प्रोड्यूसर असित मोदी ने भी खुद उनकी कास्टिंग पर रिएक्ट किया है। जी हाँ, असित मोदी ने बताया है कि अमी त्रिवेदी इस शो में दयाबेन बनेंगी या नहीं। बॉलीवुड लाइफ से बातचीत में असित मोदी ने कहा है, हमने अभी तक दयाबेन के रोल के लिए किसी को फाइनल नहीं किया है, अभी भी एक्ट्रेस के लिए हमारी तलाश जारी है। अब असित मोदी के इस बयान से साफ है कि वो अभी भी दिशा वकानी के बेस्ट रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहे हैं और अमी वो एक्ट्रेस नहीं है जो शो में दयाबेन बनेगी। वेल, इससे पहले अमी ने भी दयाबेन का रोल ऑफर होने पर कहा था, नहीं मुझे इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि ये रोल मुझे करना चाहिए, दयाबेन का कैरेक्टर मुझ पर सूट करेगा, लेकिन मुझे ये रोल ऑफर नहीं हुआ है और मेकर्स ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया है। पर आपको बता दें कि अमी त्रिवेदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया है जैसे किट्टू सब जानती है, कुमकुम एक प्यारा सा बंधन, जाने क्या बात हुई, सजन रे झूठ मत बोलो, पापड़ पोल और चिड़िया घर। अब बात करें दिशा की तो वो साल 2017 में आखिरी एपिसोड में देखी गई थी जिसमें दयाबेन अपने मायके चली जाती हैं। अब इस बात को एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में शो के मेकर्स को इस बात की दिक्कत हो रही है कि आखिर दयाबेन का किरदार कितने दिन तक मायके में रह सकता है। तो अब जिस तरह से अमी त्रिवेदी के दयाबेन बनने पर असित मोदी ने रिएक्ट किया है उससे एक बार फिर से नई दयाबेन पर सस्पेंस गर्मा गया है कि आखिर अब आगे शो में कौन बनेगी नई दयाबेन। अब क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।